जिन लोगों ने इस वीडियो पे 10 कमेंट सबसे पहले करे हैं उनको 100 रुपए पेटीएम कैश मिल चुका है। आपने अगर कमेंट करा है, अगर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी भी टाइम है। सबसे पहले आपको बता दूं, जेसन होल्डर इस मैच में खेलने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में काफी प्रैक्टिस करते हुए जेसन होल्डर दिखे हैं। फ्री में क्या मिलता है? एक्चुअली बहुत कुछ। फैन टू प्ले पर खेलो पहले 4 गेम्स बिल्कुल फ्री। बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो IPL 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। हे गाइस, कैसे आप लोग, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट आईपीएल मैच की। बट उससे पहले, जिन लोगों ने इस वीडियो पे 10 कमेंट सबसे पहले करे हैं उनको 100 रुपए पेटीएम कैश मिल चुका है। आपने अगर कमेंट करा है, अगर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी भी टाइम है। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जब आपको 100 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा तो आपसे शेयर का बस प्रूफ लिया जाए, तो शेयर करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहीं पर भी। सो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैच इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोनों टीमों की, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ऑन द पेपर दोनों टीमें ठीक ठाक हैं, बट लखनऊ सुपर जायंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी नजर आ रही है टॉप ऑर्डर के वजह से। वेन्यू की बात करें तो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में यह मैच खेला जाएगा। डेट और टाइम 4 अप्रैल 7:30 PM। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सब मत देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी दूंगा, यानी आखिरी कुछ मैचेस के हिसाब से बताऊंगा। प्लेयर बैटल की बात करें तो कुछ प्लेयर बैटल आपको इस मैच में देखने होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, जेसन होल्डर इस मैच में खेलने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में काफी प्रैक्टिस करते हुए जेसन होल्डर दिखे हैं। जेसन होल्डर एक काफी बढ़िया बॉलर हैं और टाइम आने पे अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जेसन होल्डर इवन डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ प्लेयर स्टैट्स की बात करें तो सीन अबाउट वर्सेस एंड्रू टाई, इसके अलावा यहां पे देखिए स्टॉइनिस वर्सेस विलियमसन है, कृणाल पंड्या वर्सेस आर त्रिपाठी है, त्रिपाठी की 2 बार विकेट ली है कृणाल पंड्या ने, देख सकते हैं 16 गेंदों में मात्र 17 रन दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉइनिस ने त्रिपाठी की 2 बार विकेट निकाली बट काफी पिटाई खाई है। होल्डर ने ग्लेन फिलिप्स की 1 बार विकेट निकाली है, बिश्नोई ने अबुल समाद की 2 बार विकेट निकाली है। बिश्नोई भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपाठी की भी इन्होंने 1 बार विकेट निकाली और काफी कम रन खर्चते हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एंड्रू टाई विलियमसन की 1 बार विकेट ले चुके हैं और बिश्नोई सुंदर की 1 बार विकेट ले चुके हैं। इस प्लेयर बैटल में आपको बिश्नोई के काफी बढ़िया रिकॉर्ड दिखेंगे, इसलिए बिश्नोई की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगी। यह है सनराइज हैदराबाद के बैट्समैन और लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स। इसके बाद हम आगे प्लेयर बैटल देखते हैं जिसमें आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन और सनराइज हैदराबाद के बॉलर्स मिलेंगे, जिसमें आप केएल राहुल वर्सेस भुवनेश्वर देख सकते हैं। भुवनेश्वर की काफी पिटाई केएल राहुल ने करी है और सिर्फ 1 बार भुवनेश्वर जो है केएल राहुल का विकेट ले पाए। भुवनेश्वर डिकॉक का अभी तक विकेट नहीं ले पाए, 47 बॉल में 48 रन भी दिए हैं। इसके बाद श्रेयस गोपाल वर्सेस मनीष पांडे है, 32 गेंदों में 48 रन देकर 2 विकेट हैं। इसके अलावा सुंदर गोपाल भुवनेश्वर कुमार के कुछ रिकॉर्ड है उनको देख लीजिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है मनीष पांडे और भुवनेश्वर कुमार का, जिसमें 19 गेंदों में 4 बार विकेट मनीष पांडे की भुवनेश्वर ने निकाली है और रन दिए हैं सिर्फ 20। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल होगा। साथ ही साथ रोमारियो शेफर्ड ने होल्डर की 3 बार विकेट निकाली है, तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल होने वाला है। भुवनेश्वर सुंदर ने केएल राहुल कृणाल पंड्या की विकेट निकाली है, तो एक बार आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। इसके बाद टीम हिस्ट्री की बात करते हैं दोनों टीमों की। अगर हम बात करें, एक तरफ सनराइज हैदराबाद है, एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स इसी साल बनी है, सनराइज हैदराबाद पहले की टीम है, बट सनराइज हैदराबाद की टीम मुझे थोड़ी सी वीक समझ में आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स फिर भी थोड़ी सी बेटर है। अगर आप टीम हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए सनराइज हैदराबाद ने 138 मैचेस खेले आईपीएल में, टोटल 49% विनिंग परसेंटेज इनका बनता है। और टीम लखनऊ की बात करें तो अभी आईपीएल में 2 ही मैचेस खेले जिसमें से 1 जीते 1 हारे, तो 50% का विनिंग रेट इनका चल रहा है। इनके पास केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक जैसे और एवन लेविस जैसे काफी बढ़िया प्लेयर्स हैं, इसलिए लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप ऑर्डर से मुझे काफी ज्यादा मजबूत समझ में आ रही है। आगे हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, तो वेन्यू के बारे में आप जान लीजिए वेन्यू कैसा है, क्या इसमें हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोलता डिटेल में बताऊंगा। डोमेस्टिक में देखिए 10 मैचेस खेले जा चुके हैं, 8 बैटिंग सेकंड ने जीते, एवरेज स्कोरिंग 143 की है और हाईएस्ट स्कोरिंग पुणे वॉरियर्स का 187 पास्ट में यहां पे बना हुआ है। मोस्टली स्कोरिंग 150 से कम होती है बट इस साल थोड़ा सा अलग देखने को मिला है, मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा अभी। पहले आप टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर देख लीजिए, टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर जो बने फर्स्ट बैटिंग करके और जो चेजिंग में बने हैं, तो उसकी सारी हिस्ट्री आपके सामने है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2022 में काफी रिकॉर्ड टूटे हैं, डीवाई पाटिल में पहले जो स्कोर था पुणे वॉरियर्स का वो भी 2022 में टूटा है। ये इसमें मैंने 2022 इंक्लूड नहीं करा है, ये टीम हिस्ट्री है यानी पिछले साल तक की, और इस साल जो हिस्ट्री बनी है वो थोड़ी सी अलग है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए आखिरी कुछ मैचेस जो यहां पे खेले गए, आखिरी 3 मैचेस देखिए उसमें स्कोरिंग क्या हुई। पहला मैच जो खेला गया था 27 मार्च को, उसमें 200 का स्कोर बना था, उसको चेज भी करा था पंजाब ने, देखिए 208 बना के, ठीक है। इसके बाद एक और मैच हुआ था जिसको आरसीबी ने चेज करा, 128 ही हालांकि स्कोर हुआ था बट 132 से चेज करा, चेजिंग में फिर टीम जीत गई। फिर बैटिंग फर्स्ट में टीम जीती जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने
में 193 बनाए और मुंबई को 170 पे 8 विकेट बना के आउट कर दिया। यानी आप कह सकते हैं आरआर ने उस मैच को बड़े अच्छे से जीत लिया, हालांकि चांसेस मुंबई के थे क्योंकि चेजिंग यहां पे अच्छी होती थी। तो आप देखेंगे हर एक मैच में, तीन में से दो मैच में स्कोरिंग 190 और 200 के आसपास बनी है, तो इस मैच में भी आप इतना ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, चाहे तो तीनों का एवरेज करके समझ लीजिएगा तो भी आपको 165 के आसपास का फिगर तो मिलेगा। ये पुराने मैच से 2011 के ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की और टीमों की रीसेंट फॉर्म की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पॉइंट्स टेबल में LSG 5th पे है और SRH 10th पे है। दो मैच खेले LSG ने, एक जीती और SRH अगले पिछले पांच मैचेस में एक ही मैच जीती है। ये कुछ टीमों के खिलाफ इनके परफॉर्मेंसेज है जो इनके रहे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो कि ऑन पेपर मेरे को स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, तो इनकी प्लेइंग 11 क्या है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इनकी प्लेइंग 11 में आपको देखेगा KL राहुल क्विंटन डिकॉक टीम के लिए ओपन करेंगे, नंबर तीन की पोजीशन पर लेविस भी आ सकते हैं, मनीष पांडे भी आ सकते हैं, अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना होगा। मान लीजिए KL राहुल जल्दी आउट हो जाते हैं तो लेफ्टी के साथ एक राइटी ज्यादा बेटर होगा, मनीष पांडे आ सकते हैं उस केस में बैटिंग करने, और अगर क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर एक लेफ्टी ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, तो फिर लेविस यहां पे आपको KL के साथ नंबर तीन पे बैटिंग करते दिखेंगे। तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग पेयर तो यही है, नंबर तीन नंबर चार कभी कभी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है। इनके पास हुडा भी है, काफी बढ़िया हिट है, आयुष बडोनी है, इन्होंने भी आखिरी मैच में दो सिक्सेस लगाए थे CSK के सामने। इसके बाद कृणाल पांड्या है। अब देखिए यहां पे अगर हम एवरेजेस की बात करें तो T20 में एवरेजेस जो है क्विंटन डिकॉक का 34 का है, वहीं KL राहुल का 43 का है। दोनों ही टॉप क्वालिटी प्लेयर है, पिछले मैच में क्विंटन डिकॉक ने आई थिंक विकेट कीपिंग भी करी थी, तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आते हैं मनीष पांडे, जिनका एवरेज 32 का है, लेविस का 31 का है, बट एविन लेविस इस टाइम ज्यादा बेटर फॉर्म में। अगर आप मनीष पांडे के आखिरी 6-7 मैच देखें और लेविस के 6-7 मैच देखें, हालांकि लेविस ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया बट उसके पहले वो भी थोड़ा सा डगमगा रहे थे। अब मैं आपको बता दूं हेड टू हेड में स्कोर्स अगर आप देखेंगे इस टीम के अपोजिशन टीम के खिलाफ, तो लेविस के स्कोर थोड़े से खराब मिलेंगे, वहीं मनीष पांडे के ज्यादा बेटर मिलेंगे, बट आपको यही बोलूंगा एविन लेविस मच बेटर प्लेयर है, आप उसके साथ ही जाइए। क्विंटन डिकॉक और KL राहुल के भी अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें क्विंटन डिकॉक का ज्यादा बेटर रिकॉर्ड है, और लास्ट मैच में भी क्विंटन डिकॉक ने KL से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिया था। तो ये हैं कुछ चार प्लेयर जिसमें से ये दो तो आपकी टीम में होने चाहिए। लेविस को लीजिए, फिर मनीष पांडे को देखिए। मनीष पांडे का मैंने आपको प्लेयर बेटर भी बताया था, भुवनेश्वर के सामने काफी फंसते, भुवनेश्वर की 4 बार विकेट ले चुके हैं, शायद 19-20 बॉल कराई है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी इनको। इसके बाद हम चलते हैं दीपक हुडा पे, तो हुडा की परफॉर्मेंसेस आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफी बढ़िया पिक हो सकते हो, कभी भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करके एक आध विकेट अगर ले गए और कुछ 20-25 रन बना दिए तो ग्रैंड लीग की टीम में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आयुष बडोनी है, अच्छे यंगस्टर प्लेयर है और काफी कॉन्फिडेंट हो गए इन्होंने लास्ट मैच में जो सिक्सेस लगाए थे, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए वर्क कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन है बट एक अच्छा यंगस्टर है, कभी भी इसको मौका मिला तो बड़ा इसको लगा सकता है। देख सकते हैं फर्स्ट 54 रन लगाए थे लास्ट मैच से पहले जो मैच खेला था। फिर आते हैं कृणाल पांड्या की तरफ, कृणाल पांड्या की अगर हम बात करें तो इनकी लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई, उसके पहले 21 रन लगाए थे फर्स्ट मैच में और लास्ट मैच में विकेट लेस गया, उसके पहले एक विकेट निकाला था, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के हिसाब से ठीक है। स्मॉल लीग 2-3-4 मेंबर की टीम बनाते हो तो ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, कृणाल पांड्या उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर भी नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जेसन होल्डर की, इनको देखिए बैटिंग में प्रमोशन भी इस मैच में मिल सकती है, खेलने का लगभग 100% चांस है इनका। अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देखे तो पहले तो देखो SRH से ही खेला करते थे, तो अपोजिशन रिकॉर्ड बहुत पुराना आपको मिलेगा क्योंकि 2-3 साल ही SRH के साथ रहे हैं, ठीक है। रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें तो काफी बढ़िया फॉर्म चल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ अभी बीच में वेस्ट इंडीज का जो दौरा था उसमें आप देखिए काफी विकेट इन्होंने निकाली थी, तो ये एक अभी इनफॉर्म प्लेयर है और ये विकेट भी लेगा और बैटिंग बैकअप भी देगा, इसलिए ये आपकी टीम में होना चाहिए। जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, जो लोग बड़ी मेगा लीग खेल रहे हैं, जिनको करोड़ों के प्राइजेस वाला जो कॉन्टेस्ट खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, जेसन होल्डर कैप्टन जरूर बना लेना, ठीक है। जो प्राइजेस डिसाइड हुए वो ऐसे ही आपको मिलेंगे, कुछ प्लेयर्स आपको छांटने पड़ेंगे। एंड्रू टाई काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तेज गेंदबाज है, 253 विकेट है 180 इनिंग्स में और रीसेंट फॉर्म बहुत ही शानदार है, ठीक है। पहले ही मैच खेले अपना इस सीजन का और अच्छा खासा परफॉर्मेंस उस मैच में दिया तो 2 विकेट निकाल के। अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड 50-50 है बट डेथ ओवर्स में आपको होल्डर, एंड्रू टाई और आवेश खान इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि अब होल्डर आ चुके हैं तो प्रॉपर नहीं बोल सकता कि आवेश खान को ही डेथ में गेंदबाजी मिलेगी, क्योंकि जेसन होल्डर भी डेथ गेंदबाजी है। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, रीसेंट फॉर्म ठीक है, अपोजिशन टीम के खिलाफ बहुत अच्छा करते हैं।
आखिरी तीन मैचेस में टोटल 7 विकेट ये लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं आवेश खान, आवेश खान का भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, आखिरी तीन मैच में एक ही बार इनको 3 विकेट अपोजिशन के खिलाफ मिली है। वही बिश्नोई को 2 बार 3 विकेट और 1 बार 1 विकेट मिली है। बिश्नोई की इंपॉर्टेंस काफी रहेगी इस मैच में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेंच स्ट्रेंथ की। तो देखिए अब जेसन होल्डर प्लेइंग 11 में आ गए तो दुश्मन चमीरा को जाना पड़ेगा। फिर मोहसिन खान, इनके पास मनन वोरा है, कृष्णप्पा गौतम है, इनके स्टैट भी देख लीजिए। एक बार मनन वोरा ने 95 लगाया था इसी अपोजिशन टीम यानी कि सनराइज हैदराबाद के खिलाफ, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आते हैं अंकित राजपूत, शहबाज नदीम, करण शर्मा और मयंक यादव, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। क्या है प्लेइंग 11 इनकी? केन विलियमसन आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। 32 का एवरेज है केन विलियमसन का और अभिषेक शर्मा का 24 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो विलियमसन ने हर दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। वही अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की तो लास्ट 2 मैचेस से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसके बाद हम बात करें बॉलिंग में तो अभिषेक शर्मा कुछ ओवर्स बॉलिंग भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफी बढ़िया होंगे। स्मॉल लीग में आप केन विलियमसन को लीजिए, बट अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स को आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ओपन कर रहे हैं पता नहीं किस दिन कितना स्कोर कर दे, प्लस थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर आते हैं राहुल त्रिपाठी, जिनका एवरेज 25 का है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं चल रहा। आखिरी 4 मैच में सिर्फ 1 बड़ी इनिंग खेली है, बाकी इनिंग्स इनकी 20 या उससे कम रही, इवन 15 से कम स्कोरिंग रही है, तो इन पे भी उतना मैं दाव नहीं खेलूंगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए विलियमसन यहां से रहने वाले, अभिषेक भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल त्रिपाठी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए T20 फॉर्मेट है तो निकलस पूरन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। विकेट कीपर बेटर है, लेफ्टी बेटर, और रिसेंट फॉर्म देखिए तो लास्ट मैच में जरूर 0 इनको मिला, बट उसके पहले 3 मैच में लगातार 60-60 प्लस की स्कोरिंग करी थी। तो इस प्लेयर से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गया तो आप इसको लेना, अगर नहीं भी लेते तो भी ये आपके लिए कभी भी दिक्कत साबित कर सकता है, ठीक है। 25 का तो एवरेज है, ऊपर से फॉर्म बहुत शानदार है इसकी, T20 के लिए काफी बढ़िया ये प्लेयर माना जाता है। कुछ IPS में तो सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से ये खेला है, ठीक है। तो निकलस पूरन इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम बात करते हैं एडिन मरकम की। पिछले 2 मैचेस से 50-50 प्लस की स्कोरिंग है, बट दिक्कत ये है कि इनको काफी नीचे बैटिंग करने टीम भेज रही है। अगर ये एज एन ओपनर खेलते तो आपकी टीम में 100% आपको इनको लेना पड़ता, बट अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर अच्छा कर गया तो एडिन मरकम की बैटिंग थोड़ा सा लेट आ सकती है। हालांकि इनका टॉप ऑर्डर उतना मजबूत है नहीं, तो मरकम की बैटिंग आने का चांस फिर भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। फिर आते अबुल समाद, इस टीम के काफी बढ़िया हिटर हैं और कई मैचेस में स्कोरिंग इन्होंने 40-50 अबव भी करी है, प्लस कभी-कभी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के प्लेयर होंगे। फिर आते रमारियो शेफर्ड, जो आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं प्रॉपर। मैं आपको बता दूं डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं ये वेस्ट इंडियन टीम के लिए, और इवन डोमेस्टिक जो खेलते हैं उसमें भी। तो रमारियो शेफर्ड आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे बॉलिंग एंड से भी, प्लस बैटिंग आने पे ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर, ये भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं और 3 से 4 ओवर आप इनके भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाली टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। कुछ लेफ्ट हैंडर्स अच्छे हैं सामने वाली टीम में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें आपको एक क्विंटन डिकॉक है, एक एविन लेविस है और 1-2 प्लेयर और है। तो यहाँ पे सुंदर के अच्छे ओवर्स करने के चांस हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक क्रीज पे टिके रहेंगे, ठीक है। तो सुंदर 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर सकता है प्लस बैटिंग बैकअप देगा, इसके स्टैट भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको मिलेंगे भुवनेश्वर कुमार, नटराजन और उमरान मलिक। अब इस टीम से डेथ में गेंदबाजी करेंगे भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, और भुवनेश्वर का मनीष पांडे के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो शुरुआत में भी हो सकता है कि मनीष पांडे का मिड ओवर्स में कहीं एक विकेट ले ले, और भुवनेश्वर डेथ में तो 2 ओवर लगभग करेंगे ही नटराजन के साथ। बट उमरान मलिक भी काफी बढ़िया बॉलर है, कभी भी इनका भी यूज डेथ में हो सकता है। लास्ट मैच में देखिए इन लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी थी, वो यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। बेंच स्ट्रेंथ में देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर्स इनके पास अवेलेबल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मार्को जेनसन, आर समर्थ, शेष गोपाल, जे सोचित। शेष गोपाल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा, आखिरी 4 मैचेस से विकेटलेस है, और इसके अलावा मार्को जेनसन ये बैटिंग बैकअप आपको दे सकते हैं, प्लस डेथ ओवर्स में भी कभी कभी गेंदबाजी इनसे टीम करवा लेती है, ऊंचे लंबे कद के ये प्लेयर है। और आपको अगर ये प्लेयर खेलता है ना ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है और इसका रिकॉर्ड रीसेंट टाइम में अच्छा है, ठीक है। 13 इनिंग में 9 विकेट जरूर है, बट कभी कभी बैटिंग में अच्छी खासी हेल्प टीम की कर देता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं शशांक सिंह, ग्लेन फिलिप्स, विष्णु विनोद, प्रियम गर्ग, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे और फजल। इनके आप स्टैट देख लीजिए, फजल अक फारूकी, ठीक है। रीसेंट फॉर्म सबका मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो भी प्लेयर खेलता है उसको आप टीम में ले सकते हैं। अब डेथ ओवर्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है डेथ ओवर, 17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, 20वां ओवर। अब देखिए SRH ने पिछले मैच में क्या किया था, नटराजन ने 20वां ओवर डाला था, उसके पहले भुवनेश्वर ने ओवर डाला था, फिर नटराजन, फिर भुवनेश्वर, यानी लास्ट 4 ओवर्स में इन 2 प्लेयर्स ने बॉलिंग करी थी 2-2 ओवर, ठीक है। और LSG ने क्या करा था, आवेश खान ने प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करी थी, उनके साथ टाई आए थे डेथ में गेंदबाजी करने, बट अब होल्डर भी हैं तो होल्डर होंगे, तो ये 4 ओवर में आप मान के चलिए 1-1 ओवर तो इन दोनों तीनों को मिलेगा, उसके बाद 4th ओवर इन तीनों में से किसी को भी मिल सकता है।
वैसे तो आवेश खान को मिलना चाहिए, बट होल्डर भी काफी बढ़िया डेथ गेंदबाज है तो इनको भी मिल सकता है। इवन टाई भी बहुत अच्छे डेथ गेंदबाज है, तो ये तीनों में से किसी को भी दो ओवर मिल सकते हैं, बट इतना तो श्योर है कि आखिरी चार ओवर में इन तीनों का एक ही ओवर जरूर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टीम की जो मैंने आपके लिए बनाई है। जिन लोगों ने फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे अभी तक रजिस्टर नहीं करा वो कर लीजिएगा, रेफर कोड आपको FX लगाना है। जब भी आप फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे रजिस्टर करें रेफर कोड FX लगा के आइएगा, क्योंकि FX कोड लगाने वाले को बोनस मिलता है, फ्री एंट्रीज मिलती हैं और इसके अलावा गिव अवेज वगैरह भी मिलते हैं। तो ये है हमारा कोड रेफर कोड FX, जिसको लगा के आपको साइन अप करना है फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे। आई होप आप लीडर बोर्ड के सारे कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, क्योंकि लीडर बोर्ड में अगर आप अच्छे रैंक्स पे आओगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप देखने का मौका मिलेगा वहीं पे जाके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाके। यहां पे देखिए क्विंटन डिकॉक को मैंने अपनी टीम में कप्तान करा है, वाइस कप्तान मैंने लोकेश राहुल को करा है, मैंने अपनी टीम में एविन लेविस को लिया है, केन विलियमसन को लिया है, ऑलराउंडर सेक्शन में वॉशिंगटन सुंदर, रमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर को लिया है और बॉलिंग सेक्शन में एंड्रू टाई, आवेश खान, रवि बिश्नोई और टी नटराजन के साथ में जा रहा हूं। आप चाहे तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में भुवनेश्वर कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा रहा हूं, जो सामने वाली टीम के जो अच्छे लेफ्ट हैंडर्स हैं जैसे कि क्विंटन डिकॉक हो गए, लेविस हो गए, इनके खिलाफ 3 से 4 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देंगे, क्योंकि आपको पता है सनराइज का बैटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो यहां पे चांसेस होगा कि यहां पे ज्यादा विकेट गिरेंगे, ठीक है। तो वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग आ सकती है, इवन रमारियो शेफर्ड की भी बैटिंग बैकअप आपको मिलेगी, प्लस बॉलिंग भी ये करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टीम होगी। कप्तानी वाइज कप्तानी आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, ग्रैंड लीग्स वगैरह में विलियमसन लेविस के साथ भी जा सकते हैं, बट मैं इन फॉर्म क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये मेरी फैन टू प्ले की टीम थी। आई थिंक मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कॉन्टेस्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसके हिसाब से आपको फर्स्ट कमेंट करना है। जो पहले 10 कमेंट इस वीडियो पे आएंगे फटाफट कमेंट कर दीजिए, अगर आप उन 10 में होते हैं तो आपको मिलेगा ₹100 पेटीएम कैश। और ध्यान रखिए आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने शेयर किया तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको ₹100 पेटीएम कैश करूंगा तो आपसे बस वही प्रूफ मांगूंगा शेयर का, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, 55,000 लोग टेलीग्राम से हमसे जुड़ चुके हैं, जहां पे मैं आपको प्रेडिक्शंस देते हैं आईपीएल की, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में मैंने अपने कमेंट को सबसे ऊपर भी पिन कर रखा है, उसी भी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो रियल चैनल से ज्वाइन होंगे, वरना अगर आप वैसे सर्च करेंगे तो फेक चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। रियल चैनल से जुड़ने के लिए लिंक का यूज करें जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करके दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।